नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, दरभंगा की जनता को 2024 चुनाव को लेकर के गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का प्रयास कर रही है। कल तक आरोप लग रहे थे महागठबंधन पर, लेकिन आज महागठबंधन इसी अटकाने का आरोप लगा रही है बीजेपी पर। अगर यही आपको करना था तो इतना नाटक क्यों इतना नाटक कर रहे थे? 3 महीना पहले करते मिट्टी भर गई रहती। संजय झा ने भी कहा था, जल संसाधन मंत्री, अब ये नाटक क्यों हो रहा है? जनता को गुमराह करने के लिए गोपाल जी ठाकुर बैठ गए हैं भूख हड़ताल पर। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता सीधा चले आते हैं सोमन में धरना प्रदर्शन करने के लिए, जबकि एक बार वो कह देते हैं कि डीएमसीएच स्टार्ट कीजिए। गुमराह हो रहे हैं सब। हम इन्हीं पर सवाल पर जवाब करेंगे। सबसे पहले मिला दें हम अपने पार्टिसिपेंट से। सबसे पहले मैं आरजेडी से बदर आलम बदर जी। बदर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चल दूसरी तरफ बता दें, जो AIMIM से हैं कलाम जी, आपका स्वागत है। और भाजपा के नेता है हमारे साथ अंकुर गुप्ता। अंकुर जी, आपका स्वागत है। ठीक है, आप सभी लोगों को भारत माता की जय और बिहार जय। चलिए, हम और हमारे साथ जुड़ेंगे LJP के RK दत्ता, वो उनका आवाज ही आ रहा है, कनेक्ट करने का प्रयास करें। हम सबसे पहले बड़ा सवाल हम पूछेंगे सबसे पहले बीजेपी के अंकुर गुप्ता से। अंकुर जी, ये क्यों नाटक? यही करना था तो आप 6 महीना पहले ना कर देते। जब मोदी जी के संज्ञान में गया ये बात कि वहाँ के स्थानीय नेता और प्रदेश के नेता के द्वारा अटकाने भटकाने का प्रयास किए, तब उन्होंने कहा JP नड्डा को, जाइए अभी तुरंत इसको कीजिए। तब आप लोगों ने जनता को गुमराह करने के लिए, जनता के सिंपैथी लेने के लिए आप चले गए एकदम गहरे पानी में जाकर के अनशन पर बैठे और मंच को भी तोड़ दिए। अंकुर जी, आप जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, आप पहले इस हमने लगा रहे हैं महागठबंधन पे लगा रहे हैं, महागठबंधन नेता लगा रहे हैं। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। अंकुर जी, आप मुझे बता दीजिए कि बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा को बोलिए 2015 में मिला। दत्ता जी, आप जुड़े हैं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए मनोज। आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोप को पहले सुनिए। सुन ले, बोलिए। जब हमारे साथ में उन्होंने जमीन हमें उस टाइम तक हमें नहीं दिया, जब हमारी सत्ता आई बिहार में, नीतीश कुमार जी हमारे साथ आए, तो उस वक्त सारा का सारा जगह DMCA चिन्हित किया गया। वहां पे उन लोगों ने बैठ के मीटिंग की, ऑडिटोरियम में मीटिंग हुई है, उसमें जितने भी एम्स के डायरेक्टर्स लेके जितने भी लोग रहते हैं, उच्च अधिकारी लोग, सब लोग बैठे थे वहां। नक्शा बना, सारा चीज हुआ, उसके बाद एम्स के क्या डायरेक्टर भी बहाल हो गए। आपने जगह दिया हमें, जगह पे मिट्टीकरण भी शुरू हो गई, मिट्टी भरना का काम शुरू हो गया। उसके बाद जब आप सत्ता बदल देते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, एम्स यहाँ नहीं बदलेगा। मतलब पूरे बिहार की जनता तो जानते हैं कि सबसे बड़ा पलटू चाहता तो आप ही हैं। दूसरी, राष्ट्रीय जनता दल है, वो राष्ट्रीय झूठा पार्टी है। ये जब दो आदमी एक साथ मिल रहे हैं और मिलने के बाद आप डायरेक्ट एम्स को भटकाते रहे, मैं पूछना चाहता हूँ महागठबंधन के घमंडिया सरकार के उन सभी जनप्रतिनिधियों से जो अभी बैठे हैं, कि आप मुझे बता दीजिए कि अगर दरभंगा में एम्स बनता तो उस एम्स में इलाज किसका होता? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता? क्या आपके मार्ग में आपके जितने भी समर्थन है, आपके जितने भी लोग है, क्या वहां पर आदमी का देख के इलाज होता है एम्स में कि कौन भारतीय जनता पार्टी का है, कौन जदयू का है, कौन आरजेडी का है? लेकिन मेरी बात सुनिए मनोज जी, दत्ता जी, आपने कहा आरके दत्ता जी जुड़े हैं क्या पेपर मिल में, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस, उसके बाद चलिए ना बात को। अंकुर जी, मौका मिलेगा, इतना सुनिए, एक ही साथ पूरा एजेंडा मत बता दीजिए, इसके बाद भद्रे जी फिर आपको मौका मिलेगा। भद्रे जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं अंकुर जी। दत्ता जी, आप जुड़ गए हैं? दत्ता जी, आरके दत्ता जी जुड़े हैं क्या आप? मनोज जी, हाँ ठीक है, दत्ता जी भी जुड़ गए हमारे साथ। चलिए दत्ता जी, आपका स्वागत है। आप बद्रे आलम जी बोलेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जो करतूत है उससे शर्म भी अपने को शर्मा जाएगी इसकी पैनों के हरकत से। आप ये जानते ही हैं कि 2016 से जो सरकार माले के महागठबंधन के बाद फिर नीतीश जी भाजपा के साथ गए, मंगल पांडे जी ही हेल्थ मिनिस्टर थे। लगातार 22 तक मंगल पांडे जी हेल्थ मिनिस्टर रहे और फाइल को दबा करके बैठे रहे, ये बात का।
और ये तो कहिए धन मनाइए कि जो महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद गतिविधि बढ़ाई गई और ये जो है सो क्या कहते हैं एम्स के काम को आगे बढ़ाया गया। पहले कुछ दिनों के लिए डीएमसीएच की बात हुई थी जबकि दूसरी कोई जमीन उपलब्ध नहीं थी तो कुछ लोगों ने इस तरह की बात रखी थी, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि माले एक चीज को समाप्त करके दूसरी चीज कायम की जाए। जब हमारे यहाँ डीएमसीएच माले के पहले से मौजूद है उसको हम कैसे विकसित करें इस पर सोचना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के सुझाव जो आए कि माले इसको भी डेवलप करें और माले एम्स को भी बेहतर से बेहतर जगह बनाने का काम करें। लोगों के प्रयास से यहाँ जो है एम्स के लिए सबसे बेहतरीन जगह उपयुक्त जगह चयन की गई और चयन करके माले भारत सरकार को उसके लिए भेजा गया और भारत सरकार ने उस बात को अपनी टीम भेज करके कहा भी ठीक है इसके लिए वहाँ जो कहा गया कि जमीन लो लैंड है तो दरभंगा या बिहार या अन्य जगह बहुत सारी जगह जो लो लैंड है वहाँ काम नहीं हो रहे का माने एनएच बने वो पहले का एनएच की पोजीशन थी का एनएच में मिट्टी भराई का काम नहीं हुआ था। यहाँ बिहार सरकार ने कहा कि मिट्टी भरा करके उसकी घेराबंदी करके सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे उसके बाद ये लोग जो है उसको वहाँ से वहाँ रोक लगवाने का काम किया। एक एक मिनट सबको बोलने का पहले राउंड में मौका मिलेगा उसके बाद हम डिबेट करेंगे। बद्री जी अभी इसके बाद मौका मिलेगा आपको डिबेट करेंगे। अभी एक एक मिनट सबको बोलने का मौका मिलेगा, एक एक बोलेंगे दूसरे सुनेंगे। बद्री जी आपको मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा। अब हम सब दत्ता जी उसके बाद फिर बोलेंगे कलाम जी। दत्ता जी ये बताइए एम्स निर्माण को लेकर के ये नौटंकी हो रही है एनडीए की, पहले विरोध कर रहे अब करें सपोर्ट करें शोभन में। दत्ता जी ये बिल्कुल नौटंकी चल रही है, राज्य सरकार इसमें नौटंकी कर रही है। ये पहले 2016 में जब माने एक साथ बीजेपी के साथ जब यह थी तो उस समय में 2018 में तो उस समय में शिलान्यास होता। अच्छा बोलने दीजिए उसके बाद बोलिए, एक एक मिनट पहले बोलने दीजिए उसके बाद में डिबेट करेंगे। मिट्टीकरण भी कहाँ नियम रखा गया तो वही तो जानना चाहते हैं। शिलान्यास कैसे नहीं शिलान्यास नहीं रखा गया वहाँ का जो है सो जमीन अधिग्रहण करके डीएमसीएच का 130 एकड़ जमीन जो है सो दिया गया और उस पर हॉस्पिटल का माने जो है सो माने मेडिकल फील्ड जो है सो भरा गया, कई मकान टूट गया, 12 करोड़ रुपया जो है मिट्टीकरण में खर्च हुआ, उसके बाद इसको लटकाने भटकाने का काम शुरू हुआ। ठीक है शोभन में भी बने, बाईपास में बने, दरभंगा में कहीं बने, एम्स बनना चाहिए, लेकिन लो लैंड करके जो केंद्र सरकार जब वापस किया है स्वास्थ्य मंत्रालय तो उसको मिट्टीकरण करा करके मिट्टी भरा करके उसको जो है सो जब तक केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं देगा तब तक केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय। कलाम जी बोलेंगे, कलाम जी एआईएमएम के बोलेंगे, कलाम जी भटकाया जा रहा है। किस पर आरोप लगाएंगे आप? एकदम ठीक पकड़े हैं कलाम जी, चोर मुसरा भाई ठीक। बोलने दीजिए कलाम जी को बोलने दीजिए। इस सेकंड राउंड में हम दो प्रवक्ता एक दूसरे को क्वेश्चन करेंगे और जवाब देंगे। रुक जाइए कलाम जी आप भद्रे जी और दत्ता जी एक सवाल मनोज जी
बदरे की अमिता जी सुनिए, सबको मिलेगा टाइम, सब मिलेगा टाइम पर बोलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सब आदमी अगर टाइम पर बोलेगा तो अच्छा रहेगा। हम बता दें कि दत्ता जी बद्रे आलम कह रहे हैं कि हम सब कुछ बना देंगे। जो हम ये कहना चाह रहा है कि नियम को दो जमीन नियम उनको अगर कलाम जी रुके, कलाम जी सबसे बड़ी बात है महागठबंधन के लोग हल्ला गुल्ला करके मिथिला वासियों को जो है भटका में डालना चाहते हैं। ये लोग हंस का निर्माण नहीं होने देना चाहते हैं। राज्य सरकार जमीन भरवा करके, राज्य सरकार जो है जमीन को जो है पूरा मिट्टीकरण से भरा करके समतल करके, जो मानक है स्वास्थ्य मंत्रालय का जो मानक है उसके अनुरूप जमीन उपलब्ध कराबो। अरे एक एक करके बोलने दीजिए कलाम जी, आप कलाम जी आपको अंकुर जी से बात कराएंगे। ये लोग जो है हर दल के बाद हल्ला करेंगे, विकास की बात करेंगे नहीं, उसका निर्माण कैसे होगा मेरा भी सवाल होना चाहिए। पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है, सारा लोग जानता है, ये बात स्पष्ट भी हो चुकी है। आज मान लिया के आजम खान साहब को मान लिया परेशान किया जा रहा है, और मान लिया आयुषीन ऐसी साहब जितना बोले फ्री ऑफ माले वालाइंस जो बोले उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। दत्ता जी हम पार्टी के हैं, दत्ता जी और बद्रे आलम कमेंट होता है, लेकिन मालिक आपको मालिक को वैसी साहब बोलते हैं तो उन पर कोई मालिक नहीं होता। ये तो भाजपा की मिली भगत इनके साथ ये अरे भाजपा की भाजपा सिर्फ खजूर खाकर रोजा खोलते हैं, ठीक है। मुसलमान का वोट चाहिए आप लोग को, मुसलमान वाले समय में आपको जो है ना मुसलमान मुसलमानों का ये आपको समय को पता चला, चिंता मत कीजिए। हम ये कह रहा यहाँ जब मैंने नींव रखा गया, सारे मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, सब प्रतिनिधि थे, और उसमें नींव रखा गया, और ये साबित करता है, रिपोर्ट है, ये सरकारी अभिलेख बतला रहा है कि नियम के पास दूसरा बनाने की बात हुई। आज हम भी
मालूम के काम करता रहे हैं, मालूम के समझते हैं सरकार में आप रहते होंगे, अपने जमीन का सरकार नहीं विकास की बात नहीं करेंगे हम, निर्माण को लटकाने का काम करेंगे, भाजपा चिल्लाएंगे इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे ये लोग। देखिए करके बोलिएगा ज्यादा चल स्थल चयन है, ईमानदारी से निष्पक्षता से बताइए को गलत है कि सही है। नहीं तो ईमानदारी से नीतीश जी किए थे ना पहले डीएमसीएच से किए थे, तो नीतीश जी जब जिधर जाएंगे उधर मत दे देंगे तो धर्म सो जाएगा। बद्रे जी सरकार में महागठबंधन सरकार में नैतिकता कहाँ बची है, ईमानदारी कहाँ बची है, कौन कहता है ईमानदारी बेहतर से बेहतर हमको बनाना है जिसके लिए कई करोड़। तो पहले नीतीश जी ना किए थे कि कौन किया था, पहले नीतीश जी अप्रूवल दिए थे। देखिए आपको कलाम जी आपको अंकुर जी से बात कराएंगे, अंकुर जी से आपका डिबेट होगा, पहले सुन लीजिए, पहले दत्ता जी और बद्र आलम जी से। मनोज जी मेरा एक सवाल है, मनोज जी मेरा सवाल है, हम उदाहरण इनको देना चाहते हैं, आप दिल्ली का हम से देख लीजिए, दिल्ली के हम के सामने सत्तर जगह अस्पताल है, उन्होंने भी खुद बनाया चल रही है, और एम्स भी पूरे देशवासियों को चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है, दरभंगा डीएमसीएच और एम्स एक जगह रहने में इन लोगों को क्या हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। सब आदमी को 30 मिनट से ज्यादा डिबेट हो चुका है, बातें सुनेंगे 10 मिनट है, एक एक करके बोलिए ज्यादा लोग सुनेंगे, एक एक करके बोलिए ज्यादा सुनेंगे। अंकुर जी कलाम बोलेंगे नौकरी मिलेगा, कलाम जाम का समस्या सच्चाई जूझ रहा है, लेकिन एक भी ओवर ब्रिज में जिस ओवर ब्रिज का शिलान्यास कलाम जी किसी की आवाज नहीं आएगी, न जनता सुनेगी, प्लीज एक एक करके बोलिए सब आदमी, एक एक अंकुर गुप्ता उसके बाद कलाम, एक एक करके बोलिए जनता सुनेगी, आपकी बात नहीं सुनेगी जनता, क्या धामा धामा कर रहे जनता के बीच में, जनता क्या कहेगी आप लोगों को, एक एक करके बोलिए, कल आओ एक एक करके बोलिए, सबको मौका मिलेगा, अभी अंकुर गुप्ता उसके बाद कलाम, चलिए देख रही है, इसीलिए खाता भी नहीं खुलेगा अंकुर जी, खाता भी नहीं खुलेगा, दो करोड़ को नौकरी कब मिलेगा, 15-15 लाख रुपए का आएगा, दरभंगा का ओवर ब्रिज कब बनेगा, दरभंगा रेलवे स्टेशन को जो है बुलेट ट्रेन कब मिलेगी, ये सवाल है मेरा। हम भी प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करते हैं कि 56 इंच सीने वाले हैं, लेकिन नेपाल बगल में जो पड़ोसी देश है उन्हीं बंद कर देता है रास्ता, लेकिन कल्याण की बात करते हैं, इसीलिए बाधा कहाँ से आप जहाँ तक आप ओवैसी साहब की बात करते हैं, ओवैसी साहब की अगर सरकार बनेगी तो हैदराबाद मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा और हर तबके के लोगों का एक साथ विकास होगा, जिस तरह से हैदराबाद में डेवलपमेंट हो रहा है। बद्रे जी सुन लीजिए ना, बद्रे जी बद्रे जी सुन लीजिए, कलाम के बाद बोलेगा, बद्रे जी कलाम के बाद, बद्रे जी सुन लीजिए, कलाम के बाद कलाम अंकुर गुप्ता को बोला दीजिए, रुकिए ना एक एक करके बोलिए ज्यादा अच्छा लगेगा, बद्रे जी आप चुपिए, आप शांत रहिए, बात मेरा भाजपा से हो रही है, आप सुनिए अंकुर गुप्ता हैदराबाद में जो मॉडल लागू है, लोग इस तरह बोलेंगे अंकुर गुप्ता बोलिए, आपके यहाँ
पांच साल के बाद भी नहीं मिलता है। ये सब चीज को देखिए मनोज जी। अरे ये बीजेपी, ये आरजेडी और ये ओबीसी पार्टी आपस में उलझ गई है, आपस में उलझ गई है। आरजेडी और ओबीसी पार्टी उलझ गई है। बिहार के मुसलमानों की आबादी कितना है और बिहार में मुसलमानों को क्या फैसिलिटी है? हैदराबाद की क्या आबादी है और जनता को लगातार हैदराबाद को क्या आबादी है मुसलमानों का और हैदराबाद की फैसिलिटी है? केवल ओबीसी पार्टी और आरजेडी आपस में उलझ गई है। कलाम आज दरभंगा जिला में तीन विधानसभा क्षेत्र से मुसलमान लड़ते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सुल्तान अंसारी। यादव ने वोट नहीं दिया जो 13,000 वोट से चुनाव हारे। आप शांत रहिए, पहले बोलने दीजिए गुप्ता को, उसके बाद आप हमारे गार्जियन है, चचा है, लेकिन आप ऐसे लोगों का झंडा मत ढोइए जो मुसलमानों को इज्जत नहीं करता। मुसलमान अपने मोहम्मद कलाम जी, शांति से, शांति से अपनी बात सुनिए, जवाब दीजिए। देखिए इस तरह से नहीं होता है, इस तरह नहीं होता है। इसका मतलब पहले कि आपके अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है, इस तरह बोल रहे हैं। पहले देखिए कलाम जी, कलाम जी आपको मौका मिलेगा, पहले एक एक करके बोलिए। अभी रुके, पहले पहले अंकुर गुप्ता, उसके बाद कलाम बोलेंगे, उसके बाद आलम सिंह दत्ता जी। सीरियली बोलिए, जनता सुनेगी। अगर गांव गांव की जगह कोई कुछ नहीं सुन पाएगा और आप पर आरोप लग जाएगा। पहले अंकुर गुप्ता, उसके बाद कलाम। अंकुर गुप्ता जी, हाँ, मेरे पांच सवालों का जवाब इनसे दिलवा दीजिए दोनों। हाँ बोलिए, जो आपस में लड़ रहे थे उन लोगों से मेरे पांच सवालों का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका और ना ही ज्यादा समय लूंगा जनता को, क्योंकि जनता के पास समय की कीमत होती है, अहमियत होती है। ठीक है, बोलिए। इनसे पूछिए कि ये इनका कहा नाम है कि एम शोभा में बने, चलिए हम इसकी इनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। एम शोभा में बनेगा, एम से बनने के लिए जो अनुपात होती है ये हमें 200 एकड़ जमीन का सीमाकरण करके दें। दूसरा, मिट्टी भराई 30 फीट 50 फीट जो है ये मिट्टी भराई करके दे हमें। एम्स जहां बनेगा वहां क्या कहते हैं, मरीजों के आने जाने के लिए जो व्यवस्था होती है रोडों की, फोर लाइन की व्यवस्था करके दे हमें। 44,000 वोल्ट का जो तार वहां पर है, जो यहां डायरेक्ट सीतामढ़ी तक गया हुआ है, उसको वहां से कब स्थानांतरण करेंगे ये? ठीक है, और 113 एकड़ जमीन उन्होंने भी दिया है जिसमें 24 किसानों ने उसके खिलाफ जिला अधिकारी के पास आवेदन दिया है कि वो जमीन हमारी है, उसका हमको एनओसी के लाके दें। ठीक है, और ये जो अरंगा लगाइएगा, अरंगा लगाइएगा, समझ गए। और ये हमें समय बना दें, ये हमें समय बना दें, नहीं कर पाए। बद्रे आलम जी को जवाब देने दीजिए, इस सवाल का जवाब बद्रे आलम जी देंगे सरकार में। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, केंद्र सरकार को एनओसी के रूप में ये देंगी। और जिसकी सुनिए गांधी मुद्रा ने कहा, बद्रे आलम जी को जवाब देने दीजिए सरकार में। दीन है कहिए, और ये हमें अंकुर जी सुनिए, बद्रे आलम जी को आपने सवाल कुछ दिया, अंकुर जी सुन लीजिए, बद्रे आलम जी सुनिए जवाब देंगे। अंकुर जी सुनिए, बद्रे आलम जवाब दे रहे हैं वगैरह को डेवलप करने का, ये जवाब मांगिए, वो भी काम हो चुका है, जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अंकुर जी सुनिए, बद्रे आलम जी को सुन लीजिए, जवाब देने बद्रे आलम जी। काम अगर मान लिया जाए वहां से रोक हटावे, ये सारा काम जल्द से जल्द यथाशीघ्र हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। हम लोग इस बात के लिए कृत संकल्पित है। समय बताइए, समय
अगर एम्स का निर्माण होगा, अगर इनके नहीं करेंगे लोग नहीं आने वाले 2024 के चुनाव में इनको हटावेंगे और एम्स को वहाँ बनाएंगे। आप हमें समय बताइए सब काम कब पूरा होगा बद्रू भाई, ये भी तो स्पष्ट कीजिए। 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार वहाँ पर, केंद्र की टीम आएगी वहाँ पर और आपको स्वीकृति देगी। और आप बताइए कि आप कब तक, मेरा सवाल है मनोज जी, मनोज जी मेरा सवाल है, सारी प्रक्रिया करके उसमें केंद्र सरकार ने जो आरोप लगाया, आपके जो सांसद महोदय जाके जो धरना दिए, आपके सांसद महोदय जो वहां जाकर के दिल्ली में धरना दिए थे गृह मंत्री के और पार्लियामेंट में कि वहां जो ओम्स बन रहा है शोभन में गलत बन रहा है इसको रोक ले, उन्होंने एक ही ऑब्जेक्शन वहां क्रिएट किया कि लो लैंड। अरे भाई लो लैंड थी एक मान साधारण सी बात, आराम से सुन ले, बद्रे आलम जी ये बताइए ना कि कितने दिन में मिट्टी भर करके दीजिएगा। बद्रे आलम जी सीधा एक सवाल, बिहार सरकार कब मिट्टी भर के देगी, रोकने की मिट्टी देगी? बद्रे आलम जी बताइए, जवाब दीजिए। बद्रे भाई अब आपकी बात मानी जा रही है ना कि ठीक है शोभन में बना, लेकिन जो कमी है उसको तो पूरा कीजिए। संसद भवन में जो कहा है कि ये एम्स यहाँ ना बनकर इन्हीं के दल के सांसद इनका विरोध कर रहे हैं और ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के दल विरोध कर रहे हैं लो लैंड में वहाँ शोभन में एम्स नहीं बनना चाहिए। दत्ता जी को सुन लीजिए, दत्ता जी को सुन लीजिए, दत्ता जी को सुन लीजिए, दत्ता जी को बोल दीजिए, दत्ता जी को बोल दीजिए, 15 को सांसद दत्ता जी के बाद अंकुर को, दत्ता जी के बाद राम जी बोलेंगे, दत्ता जी के बाद राम जी बोलेंगे, दत्ता जी को बोल दीजिए, दत्ता जी को नहीं मौका मिला, दत्ता जी को बोल दीजिए, उसके बाद दत्ता जी को पहले अपना जो है सो। अरे आप लोग मनोज जी मुद्दे की बात तो रखते नहीं है, मुद्दे की बात बोलने देते नहीं है। दत्ता जी के बाद बोलेंगे कलाम। हम ये कह रहा कि ठीक है अभी बद्रे भाई बोले है ना, बद्रे भाई बोले है कि हम सारा काम पूरा करके तो लो लैंड को जो है भर करके बता के भर करके अब धरना पर बैठ गया, मिट्टी भरने की जगह पर धरना पर तो इसलिए ना बैठा गया है कि आप जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करके दो। अनिल का कहना है कि आप धरना पर बैठ गए हैं उसी में मिट्टी भरना चाहिए, वोट जो वहाँ से मिट्टी डाल के भरा जाइए। आज जो है दत्ता जी को बोल दीजिए, दत्ता जी को आपत्ति दर्ज किया है उस आपत्ति का समाधान करवाइए, डीएमसी एम्स के नाम से जमाबंदी काम करवाइए। आप इतना काम करके जितना नौटंकी जी काम मेरा सवाल है कि अगर शोभन के विकास में शोभन पे अगर आपत्ति है केंद्र सरकार को तो आप डीएमसी भी बनाओ वहाँ। डीएमसी के पास तो अपनी जमीन उपलब्ध है, जो 87 एकड़ जमीन है उस जमीन को आप क्यों नहीं ले रहे हैं, उस जमीन को क्यों नहीं खाली करवा रहे, अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम कितना बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि जमीन 87 एकड़ फसल हमारे पास पूरी तरह से है, जब सरकार के लोग आप खाली कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री है, आपके स्वास्थ्य मंत्री है, आपका राजस्व भूमि सुधार मंत्री है, आप सरकार है, आप क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं? आपको खाली करवा करके आप बनाइए, कोई भी बात नहीं होगा। अगर भाजपा ने ऑब्जेक्शन को छोड़ेंगे जहाँ भी बात चली है वहाँ महागठबंधन पर आरोप लगा रही है एनडीए, दूसरी तरफ एनडीए पर आरोप लगा रही है जनता, राजनीति बढ़ रही है कि चोर चोर पूछ रहे निश्चित तौर पर दरभंगा की जनता देख रही है कि अगर एम्स के मुद्दे पर गंभीरता से सुनिए, इस मामले को गंभीर माना जा रहा है, महागठबंधन के तमाम मंत्री और विधायक पहुंच गए थे सदन में, उन्होंने जो जनता का निशन करके काम कर रहे हैं पर आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ संघ विधायक के सामने भी आम निशन पर बैठे उसी स्थान पर जहाँ गड्ढे में एम्स बना, तो ये मुद्दा है जनता देख रही है, तमाम नेता
हल्ला हंगामा करेंगे, लेकिन जनता परिषद से सुन लीजिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार मिथिला न्यूज के डिबेट में शामिल होने के लिए फिर हम अगले दिन लाएंगे। आप लोग तब तक तैयार होइए सभा के जवाब देने के लिए, क्योंकि जनता अपने वोट का प्रतिनिधि है। धन्यवाद अंकुर जी, धन्यवाद बद्रे जी, धन्यवाद दत्ता जी, धन्यवाद सलाम जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब सबों का धन्यवाद अगले डिबेट में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।